अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर अरसा दराज अपने बचपन का गुजारा हज़रत हलीमा सादिया रदिल्लाहु तआला अन्हा के दौलत खाने पर उस जगह पर खड़े हैं, ये देखिए यहाँ पर निशान दिया हुआ है बैत हलीमा रदिल्लाहु तआला अन्हा। अब ये देखिए ये उस घर की तरफ रास्ता जाता है, ये वादी बनसात है और ये मकान मुबारक जनाब हजरत हलीमा सादिया रदिल्लाहु तआला अन्हा का, जहाँ पर सरकार करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन का बहुत सारा अरसा गुजारा। और इसे तुर्कों ने तमीर किया था, निशानियां बनाई थी, लेकिन इन नजदियों ने सब की सब शहीद कर दी और यहाँ पर आने वालों के ऊपर शिर्क के फतवे लगते हैं। माजल्ला जो यहाँ पे आता है वो मुशरिक हो जाता है। ये भी अपने असली जिस तरह तुर्कों ने बनाया था अभी भी उसी हालत में मौजूद है, शुरू से स्टार्टिंग से इसमें कोई तब्दीली नहीं, 1400 साल पहले से ही। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिक व सहाबीक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये कमरे मुबारक के साथ ये सहन हुआ करता था हजरत हलीमा सादिया रदिल्लाहु तआला अन्हा का, अन्हा के दौलत खाने का ये सहन हुआ करता था ये सारा। ये सरकार करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन के दौलत खाने के दाएं बाएं देखें हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ों में घिरी हुई जगह है। ये सरकार करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौलखाने के पास एक और घर है, ये भी लगता है कि किसी कोई ख़ास ही घर है जो इस तरह अभी तक बना हुआ है। ये देखें दीवारों इसकी सारी नज़र आ रही हैं और दरमियान में कमरा सा भी नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर तुर्कों ने अहले उशाक ने मस्जिद बनाई थी, ये इस मस्जिद का मेहराब, इस पे यादगार की उन्होंने मस्जिद बनाई थी। ये देखिए सरिये भी नजर आ रहे हैं, इस तरह भी सरिये नजर आ रहे हैं जमीन से निकले हुए। ये मस्जिद बनाई थी जो कि इन नजदियों ने शहीद कर दी। ये देखिए यहाँ पे भी सरिया मौजूद है, ये देखिए सरिये। आसमान देखिए आज कितना हसीन है।
بادل چھا رہے ہیں. اس میں پہاڑوں کا دلکش نظارہ.